कमागणी दोस्तों, जय भवानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका होस्ट शैलेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आज के एपिसोड में। एक तरफ तो है हमारी बॉटल वैलेंटाइन ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की और दूसरी तरफ जो व्हिस्की है वो है जेमसन आयरिस व्हिस्की। करें वैलेंटाइन व्हिस्की की तो ये बिलोंग करती है फ्रॉम स्कॉटलैंड, वहीं जेमसन व्हिस्की बिलोंग करती है फ्रॉम आयरलैंड। भी अब दोनों व्हिस्कीज को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आखिर कौन सी व्हिस्की किससे ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले जो जेमसन व्हिस्की है उसको मैं ग्लास के अंदर पोर कर लेता हूं। उसके बाद हम वैलेंटाइन जो विस्की है उसको ग्लास के अंदर पोर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा विस्की है दोनों ही। तो चलिए दोनों विस्कीज मेरे सामने हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि आखिर वैलेंटाइन विस्की का नोजिंग नोट्स और टेस्ट आखिर क्या बोल रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। कलर वैलेंटाइन जो विस्की है उसका लाइट गोल्डन कलर है और नोजिंग चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है वैलेंटाइन विस्की की। हिंट ऑफ स्पाइसेस, हनी, कैरेमल फॉर श्योर, कैरेमल तो पक्का है इसके अंदर, और साथ में जो टच ऑफ स्मोक है, स्पेशली जो वुड स्मोक है वो मुझे इसके अंदर मिल रहा है, और साथ के अंदर जो टॉफी है उसके भी हिंट दे रही है ये विस्की मुझे। कैरेमल ये तो बेस है इस विस्की का। ये विस्की स्वीट है और स्मूथ भी है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। इसके अलावा एप्पल, वनीला और जो चॉकलेट है, तीनों के फ्लेवर्स मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं फिनिश की तो फिनिश इस विस्की की है सॉफ्ट और स्वीट। चलिए अब चेक करते हैं जेमसन विस्की को। उससे पहले जो थोड़ा बहुत पानी है वो पानी मैं पी लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कलर की। कलर इस विस्की का डीप एम्बर कलर है और चेक करते हैं कि इसकी नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। लाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे को इस विस्की के अंदर से। वुडी नोट्स भी दे रही है विस्की मुझे, और साथ के अंदर जो कट ग्रासेस होते हैं उनके नोट्स भी थोड़े स्लोली इमर्ज हो रहे हैं जेमसन विस्की के अंदर से। स्मूथ एंड सीरियसली स्मूथ है ये विस्की, थैंक्स टू द रेसिपी ऑफ दिस विस्की इसको स्मूथ और स्वीट बनाने के लिए। वुडी एंड नटी फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे को इस विस्की के अंदर से, लिटिल बिट वेनिला क्रीम ऑल्सो, और अगर मैं बात करूँ फिनिश की तो फिनिश इस विस्की का है मीडियम लेंथ विथ स्पाइसेस और हनी का ये मेरे को टेस्ट दे रही है फिनिश के अंदर। तो ये था रिव्यू इन दोनों विस्कीज का। और सीरियसली दोस्तों, इस प्राइस रेंज और सेगमेंट के अंदर आप इन दोनों में से कोई सी भी विस्की ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने, आपका जो बजट है वो 2000 रुपीज के आसपास सेट कर रखा है, तो इससे बेस्ट विस्कीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बिकॉज इससे अच्छी यूनिक स्मूथ जो टेस्ट है वो मार्केट में आप दूसरे जो ब्रांड से उनके अंदर आपको नहीं मिल पाएगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सी विस्की को हमें चूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दोनों ही विस्की जो है वो स्वीट है,
दोनों ही विस्की के अंदर आपको वेनिला का फ्लेवर मिल जाएगा, दोनों ही विस्की स्मूद है। बट अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं कि यार मेरे को ज़्यादा स्मूद विस्की चाहिए, देन यू कैन गो विथ जेम्सन एनी टाइम। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि जो जेम्सन विस्की है वो ट्रिपल्ड डिस्टिल्ड विस्की है एज कम्पेयर टू वेलेंटीन जो एक या दो बार ही डिस्टिल्ड हुई है। तो एक्स्ट्रा डिस्टिलेशन प्रोसेस के कारण इस विस्की को ज़्यादा स्मूद बनाया गया है, ये विस्की ज़्यादा स्मूद बन गई है। लेकिन अगर आप बात करें स्वीटनेस की, तो स्वीटनेस के अंदर तो डोमिनेट करेगी वेलेंटीन विस्की ही, बिकॉज एज कम्पेयर टू जेम्सन कैरेमल का जो टेस्ट है, स्वीटनेस जो है वो वेलेंटीन विस्की के अंदर ज़्यादा है। तो अगर आप जाना चाहते हैं स्मूद विस्की के लिए तो यू हैव टू गो विथ जेम्सन विस्की, और अगर आप जाना चाहते हैं स्वीटनेस के साथ तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा वेलेंटीन विस्की। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, होप यू लाइक इट। और जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं करी है इन दोनों विस्कीज को, तो सबसे पहले तो आप ट्राई करिए यार दोस्तों, बिकॉज ट्राई करना तो बनता है। और उसके बाद आप मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को ये विस्कीज आखिर कैसी लगी। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का मैं समापन करना चाहूँगा, और जल्दी मिलूंगा आप सब लोगों से एक नई बॉटल की अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आपके अपने चैनल व्हील्स ऑफ विस्की को। जय भवानी और चीयर्स।